के चंदन नगर स्थित प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करने वाले डीलर के साथ उसी के दुकान के मालिक ने कुछ अज्ञात लोगों संग पहले की गुंडागर्दी, फिर आधी रात को कुछ लोगों संग आकर दुकान के वेल्डिंग मशीन संग ताले तोड़कर प्रॉपर्टी डीलर का सारा सामान ले उड़े। इसकी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद व्यापारी पुलिस के पास गया जहां उसकी एक भी सुनवाई न हुई। इंसाफ के लिए वे आज भी पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहा है, जबकि बदमाशों की यह फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी डीलर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। पंद्रह साल तो इस दुकान पर हैगा मैं, तो इस दुकान का मेरे मालकां ने जबरदस्ती धक्के रात नूं ताले वड्डे आ। पहला एक दिन पहला आके धक्केशाही गुंडागर्दी पूरी की, जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज च कैद हैगी सारी। इन्हां ने गुंडे लिआंदे, मैं डरदे मारे भज गया। फिर शाम नूं मैं आया इत्थे, मैनूं दिखिया नहीं कोई, मैं अपनी दुकान नूं ताले ला के घर चला गया। सवेरे चार बजे इन्हां ने कटर दे नाल ताले कट के मेरा समान कढ के लै गए। अंदर टेबल सीगा, प्रॉपर्टी डीलर का कुर्सी सी, मंदर सीगा, इनवर्टर सीगा। कैश कुछ तो नहीं हैगा सी, मैं झूठ नहीं बोलता जी। मैं इधर पिछे लवली हेयर डस्टर की दुकान पर बैठा सीगा, तो एकदम आए ये अपना प्यो पुत्र दोनों ही, तो इन्हू पुछन लग गए कित्थे आ लवली अपना दीपा, तो कहिंदा जी सानू पता नहीं। उधर यानी दीपा नाल ही बाहर संदीप कोछड़ ये एक्टिवा तो नाल ही आया, ये नाल ही चपेड़ मारी, तो ये एक्टिवा थले जाके बजा अपनी दुकान के शटर से, दरवाजा खुला सीगा। फिर उस तो बाद इनू पुछन लग गए, फड़िया इनू, तो ये छड़ा के जी भज्या उधर नू, तो इनू कहन लग गए जी तू इत्थे कब्जा किया। बारह तेरह बंदे सीगे, तो अपना इहदा चार बजे अगले दिन चार बजे ताले कट के समान लै गए। पेंटर है उन्हूं पुछ के आया तो समान लै गए। इनू पंद्रह बीस साल हो गए, पंद्रह सोलह साल हो गए जी इनू किराए ते रहिंदा। मेरा घर नाल ही हैगा, जो भी है अपना किराया दिंदा है। ऐदा धक्के नाल कोई भी दुकान खाली नहीं करा सकता।